चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना ना भूलें और ये रेसिपी कैसी लगी कृपया मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पुदीना राइस बनाने के लिए हमने यहाँ करीब 100 ग्राम चावल को धोकर 15 मिनट पानी में भिगोने के बाद कुक कर लिया है और इसके साथ ही हमने लिया है थोड़ा सा फ्रेश पुदीना जिसे हमने धोकर उसके डंठल अलग कर लिए हैं, आधे नींबू का रस, 1/2 टीस्पून जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 8 से 10 काजू के टुकड़े, 1 टीस्पून उड़द की दाल और सूखे मसालों में हमने लिया है 2 तेज़पत्ते, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटे इलायची और 2 लौंग। इसके अलावा हमने ली है 2 कलियां लहसुन की और 2 हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम एक मिक्सर के जार में हमारे पुदीने लेकर उसमें 2 हरी मिर्च, 2 कलियां लहसुन और 1/2 नींबू का रस डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे और उसे साइड रख देंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेकर उसमें 2 टीस्पून देसी घी डाल देंगे और घी के गर्म हो जाने पर हम इसमें 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 2 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ते डाल देंगे और इन्हें 30 सेकेंड मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून उड़द की दाल डालेंगे और इसे करीब 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही भून लेंगे और अब हम हमारे 8 से 10 काजू के टुकड़े डाल देंगे और इन्हें करीब 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और अब हम इसमें हमारे पुदीने का जो पेस्ट हमने पहले तैयार किया था उसे भी इसमें डाल देंगे और इन सबको फिर 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे। और अब अंत में हम इसमें हमारे कुक किए हुए चावल डाल देंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और इन्हें हल्के हाथ से धीरे धीरे मिलाएंगे। सभी चावल और सारे मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं और हमारा ये पुदीना राइस बनकर तैयार है। इसे आप फ्रेश ग्रीन सलाद और बूंदी या खीरे के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं।